जय श्री कृष्णा। देखिए हमने एक्सरसाइज केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में पहला टॉपिक पढ़ा था माध्य। माध्य के तीन मेथड थे, प्रत्यक्ष विधि, दूसरी थी कल्पित विधि और तीसरी थी पद विचलन। पद विचलन जो हमने तीनों के तीनों कर लिए, तीनों के तीनों कर लिए। अगला टॉपिक है अपना माध्यक और छह नंबर की प्रश्नावली है। आप ये पूरी प्रश्नावली छह नंबर की बोर्ड ऑफ एग्जाम जो से छह नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा ही। और सेकंड टॉपिक है अपना माध्यक। अब ये माध्यक होता क्या? यदि चर राशि x के n मानों को आरोही या अवरोही क्रम जमाने के बाद इस श्रेणी के मध्य पद को क्या कहते हैं? माध्यक। अब n मान, n क्या हो सकता है? पहला n विषम हो, यानी पदों की संख्या क्या हो? विषम हो, तो n प्लस 1 बटा 2 वा पद ही क्या कहलाएगा? माध्यक। क्या कहलाएगा? माध्यक। अगर n सम हो, n सम हो तो n बटा 2 वे n बटा 2 प्लस 1 वा पद क्या कहलाएगा? माध्यक। क्या कहलाएगा? माध्यक। ये दो चीजें करनी है। सबसे पहले दिए गए अंकों को आरोही क्रम में जमाएं। आरोही क्रम में जमाने के बाद में देखें n विषम है, सम विषम है तो उसमें एक जोड़कर दो का भाग दे दें, वो उसका माध्यक कहलाएगा। अगर n विषम है तो n बटा 2 वे n बटा 2 प्लस 1 वा पद ही उसका क्या कहलाएगा? माध्यक। उदाहरण उदाहरण है आपका 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 25। यह आपका उदाहरण है, अंक दे रखे हैं 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 25 का माध्यक है। का माध्यक है। हमें क्या करना है? सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा अंक है यहाँ 20। सबसे पहले लिखा 20। 20 के बाद में है आपका 22। 22 के बाद में है 23। 23 के बाद में है 25। 25 के बाद में 26। 26 के बाद में 28। 28 28 के बाद में है आपका 31। फिर आपका है 32। फिर आपका है 34। फिर आपका है 35। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एक कौन छूट गया? 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आपका 34 हो गया, 35 हो गया, 32, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 31, 32, 34 और 35। दस कितने? दस। क्या है सम?
छठा 26 प्लस 28 बटा 2, दोनों पदों को जोड़कर उसका 2, 54 बटा 2 27, तो माध्य कितना आया 27, माध्य कितना आया 27। यह है आपका माध्य की डेफिनेशन। सम और डिसम होने पर क्या कंडीशन होगी, आपके यहाँ सम आया, n बराबर 10 आया, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को किसमें जमाया, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में जमाने के बाद n के सम, सम होने पर होता है n बटा 2, यानी 10 बटा 2 कितना है पांचवा पद, वह n बटा 2 प्लस 1 पांचवा प्लस 1 छठा पद, पांचवा और छठों को जोड़ा और उसमें 2 का भाग दिया,